उधर साहिब कनाडा को दिखाते रह गए लाल पीली आंखें। इधर साहिब के संगठन के लिए आदेश हो गया जारी, आरएसएस पर बैन की तैयारी। कनाडा पर एक्शन के नाम पर साहिब का गुणगान गा रहे थे गोदी एंकर। 24 घंटे में आ गया फरमान, अब कनाडा में आरएसएस पर लगेगी पाबंदी। एक के बाद एक कनाडा से आई बुरी खबर, साहिब को आ गया बुखार, माथा पीटने लग गए सारे के सारे चरण चाटुका। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जैसे ही हमारे देश के राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान सुनाया था, उसके बाद से ही गोदी एंकरों को दांत खाज खुजली की दिक्कत होने लगी थी। लेकिन उस वक्त साहिब ने इनके लिए झंडू बाम की व्यवस्था कर दी थी, जब हमारे देश में रहने वाले कनाडा के राजनयिक को तलब कर लिया था, 5 दिन का वक्त दे दिया था कि देश छोड़कर जाना होगा। फिर तो सारे के सारे चरण चाटुकार टूट पड़े थे कि देखो क्या गजब करिश्मा कर दिखाया साहिब ने। अब इनका परिचय और फितरत बताने की जरूरत रह नहीं गई है, लेकिन जिस तरह से भाई ने उछल उछल कर साहिब के गुणगान गाए हैं, समझ आ गया सबसे ज्यादा राहत इनको ही पड़ी थी। पहले इनका ज्ञान पढ़ लीजिए। ये लिखते हैं, कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया, भैया 3 मिनट बाद ही बहुत गुस्से में बाहर निकले हैं, लगता है अंदर 3 मिनट में तगड़ा इलाज हुआ है। लेकिन साहिब को महामानव बताने वाली मंडली साहिब के लिए कीर्तन पूरा कर पाती, उससे पहले एक और खबर सामने आ गई। खबर ये कि कमल छापों का संगठन यानी कि आरएसएस को लेकर भी कनाडा में बड़ा फैसला लेने की तैयारी चल रही। अब तक मांग सिर्फ भारत से संबंधों को रोकने की थी, अब तो आरएसएस संगठन पर पाबंदी की मांग तेजी से उठ रही है। वहां की एक संगठन NCCM यानी नेशनल काउंसिल ऑफ कनाडियन मुस्लिम ने कनाडा के पीएम के सामने 4 मांगे रख दी है। 3 का जिक्र पहले ही साहिब के लखते जिगर जस्टिन ट्रूडो अपनी संसद में कर चुके हैं। 4थी मांग ये है कि आरएसएस को कनाडा में बैन किया जाए। यकीन मानिए, जिस तरह के हालात जस्टिन ट्रूडो के बने हुए हैं और वो फैसला ले रहे हैं, उससे लगता है कि वो फिर से साहिब को झटका दे सकते हैं। वहीं साहिब की हालत इसलिए खराब है कि सबके सामने करतब दिखाकर इस जनता को तो गुमराह किया जा सकता है, लेकिन आरएसएस को कैसे गुमराह किया जाए। कुल मिलाकर अपनी दोस्ती का गुणगान खुद ही गाने वाले साहिब बुरी तरह से फंस चुके हैं। स्पेशल डेस्क द कंटा।